So I must welcome students in another online video lecture on the subject of botany. हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफरेंट तरीके पढ़े. हमने डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स पढ़े, वो किस तरह हायर प्लांट्स में नए प्लांट्स बनाने में मदद करते हैं. हमने ट्यूबर पढ़ा, हमने राइजोम पढ़ा, हमने उसके बाद बल्ब पढ़ा, हमने उसके बाद रनर पढ़ा, हमने उसके बाद जो है ऑफसेट पढ़ा. तो मैंने आपको कल बताया, मैंने यहीं पे छोड़ दिया था शाबाश कि रनर जो है, ये ऑफसेट जो है, ये एक्वाटिक प्लांट्स में बनता है और खासकर हमारे पास एक प्लांट है जिसे हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं. याद रखना बेटा, वाटर हाइसिंथ को आप टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं. कल लास्ट में कट गया था, आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं. वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है जिसे एशोरनिया भी बोलते हैं, और ये वाटर हाइसिंथ जो है इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि ये बंगाल की वाटर बॉडीज में वेस्टर्न कंट्रीज से इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फॉर इट्स ब्यूटीफुल लीव्स. लेकिन इस वाटर हाइसिंथ प्लांट ने बंगाल के वाटर बॉडीज के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ किया कि उन वाटर बॉडीज के अंदर डीओ डिजॉल्वड ऑक्सीजन की जो लेवल थी वो बहुत कम हो गई, और उससे जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स खासकर फिशेस जो है वाटर के बंगाल के वाटर बॉडीज के अंदर उन फिशेस की डेथ हो गई. मैंने आपको बताया बंगाली लोगों के लिए फिशेस जो है उनकी लाइफलाइन है, उनका सोर्स ऑफ फूड है, उनका फूड सिक्योरिटी का सोर्स है बंगाल के फिशेस. अब चूंकि जब वाटर हाइसिंथ बंगाल के वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस किया गया, उससे डिजॉल्वड ऑक्सीजन कम हो गया, और डिजॉल्वड ऑक्सीजन कम हो गया, फिशेस मर गए, इसीलिए इसको हम इस वाटर हाइसिंथ प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं. आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे सकर क्या चीज है, यह हमें किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करता है. आज हम देखेंगे बुलबिल क्या चीज है, यह हमें किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करता है. उसके बाद हम देखेंगे लीव्स हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किस तरह मदद करते हैं. शाबाश. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रनर, ऑफसेट और सकर, ये हमारे पास सब एरियल मॉडिफाइड सिस्टम है. सब एरियल मॉडिफाइड सिस्टम है. शाबाश. हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास, मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ बेटा. ये मेरे पास सॉइल लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ सॉइल, ये सॉइल लेवल है, ये जमीन की सतह है. ठीक है, मेरे पास एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है क्राइसेंथेमम. क्या प्लांट है बेटा? क्राइसेंथेमम प्लांट है. ये प्लांट का ये सॉइल लेवल है. शाबाश. ये सिटम है, थोड़ा बहुत सिटम सॉइल के अंदर घुसा होता है. सिटम नॉर्मली कहां पे होता है? एरियल, हाँ, सॉइल के ऊपर होता है. शाबाश बेटा, वेरी गुड. ये एरियल शूट है. शाबाश. ये शूट है, दिस इज शूट, ये शूट है, वेरी गुड, दिस इज शूट. एंड रिमेंबर दीज आर रूट्स. रूट्स किस प्लांट के? मैं लिखूंगा यहां पे क्राइसेंथेमम एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर बनते हैं सकर. आपने समझना है ये हमारे पास सॉइल लेवल है, और ये शूट ऑफ क्राइसेंथेमम प्लांट है, और ये रूट ऑफ क्राइसेंथेमम प्लांट है. नाउ देयर इज सम पोर्शन ऑफ द सिटम लाइज इनसाइड द सॉइल. सिटम का थोड़ा पोर्शन जो है वो सॉइल के अंदर होता है. नाउ रिमेंबर this sitem that lies inside the soil, it has a bud. It has a bud. Now what happens? This bud germinates. ये bud germinate करता है. And it gives rise to a new shoot that obliquely comes out of the soil. That obliquely comes out of the soil. Shabash. This shoot or that comes out obliquely from the soil and develops from bud that is present on the underground portion of the sitem. This is called as sucker. This is called as sucker. Now what will happen? This plant has now, this sucker has now developed and it has given rise to new plant. It will also produce a sitem inside the soil, but that be sitem seminosum, and it will produce roots. Now what will happen? This portion of sitem will again be a शाबाश. क्या है ये? बड़. इसके ऊपर बड़ लगेगा, बड़ लगेगा. अब ये बड़ जर्मिनेट करेगा फिर से ओब्लिकली
एक शूट आएगा जो ओब्लीगली जमीन से बाहर आएगा. शाबाश, दिस ओब्लीगली ग्रोविंग सिटम दैट ग्रोज फ्रॉम अबाउट प्रेजेंट ऑन द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द सिटम, दिस इज कॉल्ड एज सक्कर. इसको हम बोलते हैं, ये जो है ना बेटा, ये सक्कर है. सो सक्कर इज एन ओब्लीगली यू नो ग्रोविंग सिटम. बट ये सिटम कहां ओब्लीगली क्यों ग्रो करते हैं? बिकॉज ये एरियल सिटम से नहीं बनते हैं, बल्कि सिटम का जो पोर्शन जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, उसके ऊपर बाढ़ होता है, वही बाढ़ स्प्राउट करता है और वहां से शूट अराइज होता है. वो शूट ओब्लीगली जमीन से बाहर आता है. शाबाश, इसी ओब्लीगली शूट जो ओब्लीगली जमीन से बाहर आता है, द शूट दैट ओब्लीगली कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, दिस इज कॉल्ड एज सकर. सो इन दिस वे यू गेट वन, यू आर हैविंग वन प्लांट. Now you got second plant, you got third plant, you got fourth plant. In this way, this chrysanthemum spreads from this place to other places. Other places. फिर से मैं रिपीट करता हूं, सकर क्या है बेटा? हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है chrysanthemum. उस प्लांट का एक शूट होता है, एक रूट होता है, लेकिन जो रूट जमीन के नीचे है, लेकिन सिटम का भी थोड़ा बहुत पोर्शन जो है, सिटम का भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, अंडरग्राउंड है. शाबाश, सो दिस इज सिटम, दिस इज आल्सो सिटम, दिस सिटम इज अबव ग्राउंड, दिस सिटम इज अंडरग्राउंड. द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द सिटम बियर्स बड, दिस बड जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस अ शूट दैट कम्स ओब्लीगली आउट ऑफ द सॉइल. दिस शूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अंडरग्राउंड सिटम एंड कम्स ओब्लीगली फ्रॉम द सॉइल, दिस इज कॉल्ड एज सकर. सो इन दिस वे दिस सकर हेल्प्स यू इन प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट. नाउ जब ये शूट बाहर आ गया, नाउ इट विल डेवलप सम पोर्शन ऑफ द सिटम टुवर्ड्स द सॉइल, थोड़ा बहुत पोर्शन सिटम का जमीन की तरफ डेवलप होगा, उसके बाद रूट्स निकलेंगे. ये आपको नया प्लांट है, प्लांट है, पहले आपको ये प्लांट था, अब आपको नया प्लांट है. उसके बाद क्या होगा? जो आपको नया प्लांट बन गया, उसका जो जमीन के अंदर पोर्शन ऑफ सिटम है, वहां पे भी डेवलप हो, वहां पे भी बाढ़ बनेगा. ये बाढ़ जर्मिनेट करेगा, एक शूट बनेगा, वो शूट ओब्लीगली जमीन से बाहर आएगा. शाबाश, एक और सकर बन जाएगा. फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत पोर्शन ऑफ सिटम बनाएगा, ये इसमें रूट्स बनाएगा, यहाँ पे फिर से सिटम डेवलप हो गया, ये सिटम पे ऊपर फिर से बाढ़ डेवलप हो गया, ये बाढ़ ओब्लीगली फिर से जमीन से बाहर आएगा. इन दिस वे फ्रॉम ए सिंगल प्लांट यू गेट ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड प्लस अर्लियर ये क्राइसेंथेमम एक ही जगह पे था. Now it spreads to new places. So sakar jo hai, it is an obliquely shabash growing sub aerial system. Ye obliquely growing sub aerial system hai that develops from a bud present on the soil, present on the sitem. Lekin kahan pe hai wo sitem? Inside the soil. So maine bola, मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी इसकी. ये साकर क्या चीज है? साकर जो है, इट इज ओब्लीकली ग्रोइंग सब एरिया सिटम, द सिटम दैट ओब्लीकली कम्स आउट ऑफ द सॉइल, इज दोल दोल जमीन मशीन एवर नियर. ओब्लीकली मतलब गो दोल दोल. प्लांट इरेक्ट आसन सीधे खसन हेर कुन ना, इन प्लांटन में सकर आल शूट बन, यह शूट खस दोल दोल जमीन मज हर कुन. तवे लख मे इट इज एन ओब्लीकली ग्रोइंग सब एरियल सिटम. रिमेंबर दिस ओब्लीकली ग्रोइंग सब एरियल सिटम जिसे हम सकर बोलते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम ए बर्ड. ये एक बर्ड से डेवलप हो जाता है, वो बर्ड प्रेजेंट होता है. शाबाश, वो बर्ड प्रेजेंट होता है ऑन द सिटम इन साइड द सॉइल. ये सिटम शाबाश सॉइल के अंदर था, इसके ऊपर बर्ड था, इस बर्ड ने शूट बनाया, वो शूट ओब्लीकली जमीन से बाहर आता है, इसको आप सकर बोलते हैं. ये एक सकर है, ये भी जो है बेटा, ये भी
sucker head. This is also sucker. And remember, presence of sucker. Example. क्या लिखेंगे? Chrysanthemum. Chrysanthemum is the plant in which sucker is present. Mentha arvensis is the plant. Arvensis is the plant where sucker is present. So remember, the most common example is that of Chrysanthemum. आप जब अगर दूसरी याद नहीं रहेगी, पहली वाली याद रहनी चाहिए, Chrysanthemum, क्योंकि ये example आपके NCERT text पे लिखा है. So remember, sucker जो है ये obliquely growing sub aerial system है. Obliquely क्यों grow करते हैं? Because ये develop होता है एक bud से जो प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड सिस्टम के ऊपर, तभी ये ओब्लिकली जमीन से बाहर आता है. सो ओब्लिकली ग्रोइंग सब एरियल सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड प्रेजेंट ऑन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द सिस्टम. रिमेंबर, प्रेजेंट ऑन द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ ए सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज सकर. एंड रिमेंबर, प्रेजेंस ऑफ सकर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ Chrysanthemum एंड मेंथा Arvensis, ARVNSIS. Remember, the first example is very important because this example is given in your NCERT textbook. आपकी NCERT textbook पे ये example दिया हुआ है. ठीक है? So this is very easy. I think आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा. So obliquely growing subaerial cytium, शाबाश, that develops from a bud present on the cytium inside the soil. This is called as sucker. And sucker is a vegetative propagule. It helps us in production of new plants. It helps us in production of new plants. Beta, ये diagram जो है बहुत important है. Diagram से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी. ठीक है ना? आपने देखा यहाँ पे ये underground portion of cytium है. इसके ऊपर bud है. Bud germinate होता है. यहाँ से एक shoot निकलता है. वो shoot obliquely जमीन से बाहर आता है. उसे हम sucker बोलते हैं. शाबाश. इसी तरह इस sucker के नीचे अंडरग्राउंड सिस्टम बनेगा, फिर रूट्स बनेंगे. अंडरग्राउंड सिस्टम के पोर्शन के ऊपर बर्ड डेवलप होगा, वो बर्ड जर्मिनेट करेगा, फिर ओब्लिकली शूट बाहर आ जाएगा. सो सकर हेल्प्स यू इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स. उसके बाद हमारे पास बुलबिल है. शाबाश ना, वी आर हैविंग बुलबिल. नाउ व्हाट इज दिस बुलबिल? बुलबिल क्या है? शाबाश, इट इज अ फ्लशी बर्ड. It is a fleshy bird. Fleshy and thick bird. A bird होता है जो fleshy होता है. मैंने आपको कल बताया, fleshy का मतलब जो thick हो, जिसमें water content ज्यादा हो, जो soft हो. शाबाश. इस वही मैंने लिखा. बुलबिल क्या है? ये असल में bird है. आप याद रखेंगे, बुलबिल असल में एक तरह का bird है. बुलबिल is a type of bird. But this bird is different from normal birds. How it is different? Because it is fleshy and it is thick. Shabash, that develops on the aerial cytium. Remember, aerial cytium. Hey, bulbil kya hai? Sir, bahut easy hai. Bulbil ek bird hai. Aap pehle ye point yaad rakhenge. Bulbil is a bird. Now remember, this bird is different from normal birds because this bird is fleshy and this bird is thick. Remember, this bird develops on the aerial cytium. ये कहाँ पे develop होता है? Aerial cytium के ऊपर develop होता है. मैं आपको एक diagram दिखाता हूँ. ये diagram आपने बनाई होगी. मैं हटा देता हूँ इस diagram को. मैं आपको बेटा दिखाऊंगा बुलबुल क्या चीज है. शाबाश. आपने एक प्लांट के बारे में सुना होगा. उस प्लांट का नाम है एगेव. एगेव एक प्लांट है. इस प्लांट में अगर आप देखेंगे, इस प्लांट में जो है बुलबुल्स डेवलप हो जाते हैं. क्या डेवलप हो जाते हैं इस प्लांट के अंदर? इस प्लांट के अंदर बेटा बुलबुल्स डेवलप होते हैं. यह है प्लांट एगेव. शाबाश. ये देखिए, surface of this plant appears like this. ये हमारे पास कौन सा प्लांट है? एगेव प्लांट है. शाबाश. इस एगेव प्लांट के ऊपर ये देखिए,
बेटा ये बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, ये बर्ड है फ्लैशी बर्ड, ये बेटा ये डेवलप हो गया, दिस इज फ्लैशी बर्ड, ये बर्ड डेवलप हो गया, दिस इज फ्लैशी बर्ड, शाबाश। व्हाट आर दीज? दीज आर बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स, रिमेंबर, दीज आर बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स, एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज, दीज बर्ड्स आर फ्लैशी प्लस दीज बर्ड्स आर थिक। मैंने लिखा दीज आर बर्ड्स, बट दीज बर्ड्स आर स्पेशल, दे आर फ्लैशी, दे आर थिक। नाउ व्हाट विल आई कॉल देम एज? आई विल कॉल देम एज बुल बिल। मैं इनको क्या बोलूंगा बेटा? मैं बोलूंगा बुल बिल, शाबाश। वही मैंने लिखा, इट इज अ फ्लैशी बर्ड, इट इज अ फ्लैशी एंड थिक बर्ड, इट इज अ फ्लैशी एंड थिक बर्ड, रिमेंबर, इट इज अ फ्लैशी एंड थिक बर्ड दैट डेवलप्स ऑन द एरियल सिस्टम। रिमेंबर, if you are having aerial system or and on that aerial system you are going to have fleshy and thick buds, these fleshy and thick buds that develop on the aerial parts of the plants, they are called as bulbils. Now remember, now this bulbil has developed, it has developed on the aerial shoot. Now this bulbil detaches this pollen, this bulbil falls, it falls. Now this is bulbil, now this is bulbil, this bulbil now falls and it leads to the production of a new pollen, it leads to the production of new pollen. So main likhunga the bulbil, the bulbil, the bulbil, bulbil detaches, detaches from the parent plant, the bulbil detaches from the parent plant. Ye bulbil jo hai ye parent plant se, ये अपने ओरिजिनल प्लांट से जिससे ये डेवलप हो गया, जिसके ऊपर ये लग गया, वहां से डिटैच हो जाएगा, वहां से अलग थलग हो जाएगा, वहां से सेपरेट हो जाएगा। द बुलबिल डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड शाबाश जर्मिनेट्स, जर्मिनेट्स ऑन द सॉइल, ऑन द सॉइल जर्मिनेट्स या स्प्राउट्स ऑन द सॉइल एंड लीड्स टू, leads to the formation of, formation of, leads to the formation of new plants, plants, leads to the formation of new plants. So मैं फिर से repeat करता हूं, bulbil एक bird है लेकिन special bird है, special इसलिए है ये fleshy है, ये thick है, ये develop होता है on the aerial system. Remember, now the condition is that this bulbil should detach. The bulbil detaches from the parent plant. Now the condition is that bulbil should detach from the parent plant and it should fall on the suitable substratum where it germinates, or it germinates on the soil and leads to the formation of new plants. In this way, this bulbil helps you in production of new plants. Example, हमारे पास एगेव plant है, एगेव, और एगेव में याद रखना, ये एगियो में असल में फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, एगियो में फ्लोरल बर्ड्स होते हैं। सर ये क्या हो गया फ्लोरल बर्ड? आपने आप कहानी बढ़ा दी। मैंने आपको बताया बेटा, आपने आपकी जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म जो आपने प्लस वन में पढ़ी ना, वो आपकी थोड़ी बहुत वीक है बेटा, क्योंकि आपको पता नहीं है बर्ड्स के भी टाइप्स होते हैं। द बर्ड्स विच प्रोड्यूस शूट सिटम ब्रांच, they are called as colline buds. Hey, jin buds se stem banega ya branch banega unko bolte hain colline buds. Jin buds se leaf bhi bud se bante hain unko bolte hain foliar buds. Flower bhi bud se banta hai, un buds ko kya bologe? Floral buds. Buds ke types hote hain. Jis bud se stem ya shoot banega ya branch banegi use bolte hain colline bud. Hey beta, buds ke bhi types hain. ये बर्ड्स इतने सिंपल नहीं है, ये कॉलाइन बर्ड्स है, कॉलाइन, CALIN, कॉलाइन बर्ड्स, कॉलाइन बर्ड्स को वैक्यूम बर्ड, हिमोपेस्टिटियम बैंड या तो ब्रांच बैंड, देखिए क्या है, फोलियर बर्ड्स, फोलियर, फोलियर लीफ से ताल्लुक रखता है, जिन बर्ड से लीफ डेवलप होता है उनको बोलते हैं फोलियर बर्ड्स, और जिन बर्ड से फ्लावर डेवलप होता है उन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन बर्ड्स को हम बोलते हैं फ्लोरल, फ्लावर से बनता है फ्लोरल बर्ड्स। असल में
एगेव प्लांट जो है उस एगेव प्लांट के ऊपर क्या लगते हैं, फ्लोरल बर्ड्स। ये फ्लोरल बर्ड्स क्या बनाने चाहिए, ये इनको बनाना है फ्लावर। लेकिन ये एगेव में फ्लोरल बर्ड्स फ्लावर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये क्या बनाते हैं, ये बुलगल बनाते हैं। समझ आ गया आपको, मैंने जो पॉइंट बोला, मैंने पॉइंट बेटा ये बोला कि एगेव प्लांट में तो बुलबिल्स बनते हैं, ये तो सही है, लेकिन एगेव प्लांट में जो ये बुलबिल जो है ये असल में फ्लोरल बर्ड रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लोरल बर्ड से बनता है। सो एगेव प्लांट में फ्लोरल बर्ड है, वही फ्लोरल बर्ड गेट्स मॉडिफाइड इनटू ए बुलबिल। जिस फ्लोरल बर्ड ने बेटा फ्लावर्स बनाने थे वो भूल गया अपना काम, लेकिन उसने क्या बनाया, बुलबिल बनाया। सो याद रखना एगेव प्लांट में बुलबिल्स होते हैं, वो बुलबिल्स असल में फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, वो असल में फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, याद रखना। शाबाश। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास लीफ भी है, हमारे पास लीफ भी है, शाबाश लीफ, शाबाश। हमारे पास अब लास्ट मेथड प्रोपेग्यूल या लास्ट मेथड है, शाबाश लीव्स, शाबाश लीव्स या लीफ, लीव्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स। ये काफी सारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं दे समटाइम्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। शाबाश, मैं लिखूंगा लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, सम प्लांट्स, प्लांट्स लाइक, कौन सा प्लांट है, मैं यहां पे करूंगा मेंशन, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, अड़ो मैं पर अंडरलाइन, ब्रायोफाइलम या कैलोनची, कैलोनची एटसेट्रा। शाबाश, बियर, बियर बर्ड्स ऑन दियर मार्जिन्स, ऑन दियर लीफ मार्जिन्स या ऑन दियर मार्जिन्स, ऑन दियर मार्जिन्स। क्या होता है, कुछ प्लांट्स के जो बेटा है लीव्स है, कुछ प्लांट्स के लीव्स है, कुछ प्लांट्स का मतलब मैंने अपनी टेक्स्ट से उठाया, एनसीईआरटी टेक्स्ट से उठाया एग्जांपल ब्रायोफाइलम, दूसरी एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से याद कर दी कैलोनची। मैंने आपको बताया बेटा ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, दिस इज ब्रायोफाइलम लीफ, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ बेस है, ये पीटियोल है, ये लीफ लैमिना है, और बेटा ये क्या है, दिस इज मिडरिप, व्हाट आर दीस, दीस आर लेटरल वेन्स, दीस आर लेटरल वेन्स, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। अब क्या है बेटा, मैंने आपको बताया बर्ड नॉर्मली प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, सीडियम के ऊपर, याद रखना बर्ड्स आर जनरली प्रेजेंट ऑन द सीडियम, प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीडियम ऑफ प्लांट्स, क्योंकि उसी बर्ड से या तो फिर ब्रांच बनेगी या तो शूट बनेगा, या तो लीफ बनेगा या तो फ्लावर बनेगा। सो प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शूट, न कि रूट, न कि लीफ, ही कौन यार। मगर कैंसन प्लांट्स, हे कैंसन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड कैलोनची, के ए एल ओ एन सी एच ई, हे यम छ प्लांट टीम यंद लीव्स कैन मार्जिन पे बर्ड छस, इचा लीफ मार्जिन ये तस क्या छ सनगोगन, दिस इज बर्ड, दिस इज बर्ड, ये लीफ मार्जिन है, यहां पे भी बेटा क्या है, ये बर्ड है, ये लीफ मार्जिन है, यहां पे बर्ड है, यहां पे बर्ड है, यहां पे बर्ड है, यहां पे बर्ड है, काफी सारे बर्ड है, एक बर्ड नहीं है, लीफ मार्जिन के ऊपर बर्ड्स होते हैं। शाबाश, अब क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दीस लीव्स आर अटैच्ड टू द प्लांट, ये प्लांट के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम लीव्स डिटैच फ्रॉम द प्लांट, लीव्स अपने दरख्त से जिस प्लांट के ऊपर लगे होते हैं, जिस ब्रायोफाइलम या कैलोनची प्लांट के साथ लगे होते हैं, उस प्लांट से ये लीव्स नीचे गिर जाते हैं। जब ये नीचे गिर जाते हैं, इन लीव्स के मार्जिन के ऊपर क्या है, बर्ड्स है। जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलेंगे, ये बर्ड जर्मिनेट हो जाएंगे और बनाएंगे न्यू प्लांट्स, वेरी गुड, बनाएंगे न्यू प्लांट्स। इसका मतलब है आपको लीफ ने भी आप नए प्लांट बनाने में मदद किया। शाबाश, मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज लीफ, लीफ और ब्रायोफाइलम, वेरी गुड, ब्रायोफाइलम, PHYLLUM, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, बियरिंग बर्ड्स, बियरिंग बर्ड्स। शाबाश, वही मैंने लिखा कि लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम
कैलोंची एटसेट्रा डियर बर्ड्स ऑन नियर मार्जिन्स शाबाश. उसके बाद क्या होता है, दीज लीव्स डिटैच फ्रॉम, कहां से डिटैच हो जाएंगे, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ये होते हैं, पेरेंट प्लांट, शाबाश डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड शाबाश द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन, कहां पे है, लीफ मार्जिन्स शाबाश स्प्राउट या जर्मिनेट, स्प्राउट ऑब्लिक जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं बेटा, न्यू प्लांट्स बनाते हैं, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. कितना इजी है, बहुत इजी है. हे, कुछ प्लांट्स के लीव्स भी हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करते हैं. फॉर एग्जांपल, ड्रायोफाइलम प्लांट है, कैलोजी प्लांट है, इन प्लांट के लीव्स से हम नए प्लांट्स बना सकते हैं, क्या नेचर में अपने आप नए प्लांट्स बनते हैं. उन प्लांट्स के लीव्स की खासियत है कि उनके लीफ मार्जिन के ऊपर बड्स होते हैं. ये लीव्स जब अपने पेरेंट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ये होते हैं, उससे जब डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं लीव्स, ये लीव्स जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, सबस्ट्रेटम के ऊपर गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये बड्स जो है ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ये स्प्राउट हो जाते हैं एंड फ्रॉम एवरी बड यू गेट अ न्यू प्लांट. दस दीज लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड कैलोजी हेल्प अस इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑल द प्रोपेगुलस. I hope that everybody has understood these vegetative propagules with ease. मैंने, मुझे लग रहा है मैंने बड़ा इंसाफ इनके साथ किया, मैंने बड़े सूझबूझ और समझदारी के साथ इनको आपके सामने रखा, पेश किया. और अगले क्लास में इंशाल्लाह, कल वाली क्लास में, आज मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि आज हमें ऑलरेडी लेट चल रही है, बिकॉज पहले सवेरे ऐप ने काम करना छोड़ दिया तो हम हैंग हुए थे, तो हमने उसको नहीं छोड़ा, हमने उसको बोला कि हम यहाँ से भागने वाले नहीं है, क्लास तो जरूर करेंगे. सो कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. खासकर मैं फोकस करूंगा प्लांट्स के ऊपर, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एनसीईआरटी टेक्स्ट के बिटवीन लाइन्स में जाता हूं, एनसीईआरटी लाइन आप घर में चेक करना, एनसीईआरटी टेक्स्ट से आपको एक पॉइंट नहीं गिरेगा, एक पॉइंट नहीं लॉस हो जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया, प्लस साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा भी बोल रहा हूं, ठीक है ना. सो कल के वाली क्लास में हम स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो फिर उसके बाद जैसे ही वो स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कल वाली ही क्लास में स्टेप एंड करेंगे सारे वो, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमारी टेक्स्ट का दूसरा यूनिट है, कि एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, फ्लावर क्या चीज है, माइक्रो एंथर क्या है, बाकी चीज गाइनोशियम क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आप टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिए, आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह आगे जरूर ले जाएंगे. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल.